नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमीत बराड़ जी। बराड़ साहब, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बराड़ साहब, मेरा पहला सीधा सवाल आपसे, क्या जगमीत बराड़ जी का अब कांग्रेस में मन नहीं लग रहा? कांग्रेस में तो मेरा पूरा मन है जी। लीडरशिप प्रॉपर पूरी मुझे रिकग्नाइज करती है। मुझे कभी ये मायूसी नहीं हुई कि हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने कभी मेरे बारे में कुछ मुझे अंडरमाइन किया हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंडिविजुअल अपनी अपनी राय, अपना मशवरा, मौके पे अपनी बात कहनी, और उसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहा जी। हाल ही में अगर आपके बयानों की बात करें, माघी मेले के दौरान आम आदमी पार्टी की तारीफ आपने की, SYL पर जो आपका बयान आया है उसमें लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि आप जो हैं या तो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर। देखिए, ये बात जो शुरुआत हुई वो मुक्सर की माघी कॉन्फ्रेंस में तारीफ से नहीं हुई। तारीफ का माना होता है आप कहो कि बहुत महान पार्टी है, बड़े महान नेता हैं या बड़े महान कार्यक्रम उन्होंने किए जी। मैंने कहा कि आज तक के इतिहास में मुक्तसर की धरती पर इससे बड़ी पॉलिटिकल राजसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसको एक राष्ट्रीय नेता ने इतने बड़े पैमाने पे संबोधित किया हो जी। तो उसके बारे में वो स्पष्ट रूप में सारा पंजाब जानता है कि उनकी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से और अकाली दल से 2.5 गुना इकट्ठ था। दैट वॉज अ फैक्ट। सो दैट वॉज अ अलार्मिंग बेल हमारे सभी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, कि भाई तीसरा दरिया भी पंजाब में, एक दूसरा दरिया भी है जिसको पार करना होगा, और उनकी आवाम में पहुंच बढ़ती जा रही है। तो बराड़ साहब, सही बात जो है वो सामने ला रहे हैं, सही बात सामने रख रहे हैं। दुरुस्त, बिल्कुल स्पष्ट रूप में सही बात मैंने यही रखी है कि अब मुकाबला जो है उस वक्त जो माघी की कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी पार्टी से होगा। जैसे मैंने खडूर साहब की जिमनी चोम के बारे में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहा कि हमें ये चुनाव लड़ना चाहिए, हम प्रिंसिपल पार्टी हैं, हमारा 130 बरस का गौरवमय इतिहास है, अगर पंजाब में हम पुण्य सत्ता में आना चाहते हैं तो हमें 6 महीने चुनाव में रह गए और हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज के इस संवेदनशील मुद्दे को एक शील्ड बना के ये कहें कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि उस दिन से हमारा पंजाब में नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं गलती हो गई, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती। गलती नहीं है, मैं समझता हूं इट वॉज अ हेड इंजरी टू द कांग्रेस इन पंजाब बिकॉज द डिसीजन वॉज टेकन बाय द PCC, द कांग्रेस प्रेसिडेंट। देखिए, इसमें एक कैच है बहुत बड़ा जो लोगों के सामने नहीं आया जी। ऑनरेबल द कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने नाम क्लियर कर दिया था रमनजीत सिक्की का। हमें रात को चिट्ठी आ गई, हम कागज भरने जा रहे थे, लेकिन अगले दिन अमरिंदर सिंह जी ने यूनिलेटरली विदाउट कंसल्टिंग एनी पोलिटिकल लीडर ऑफ द कांग्रेस ही विथड्रू द कैंडिडेट। सो इट वॉज आई थिंक अ बिग फॉल फॉर द कांग्रेस। आपको क्या लगता है क्यों विदड्रॉ किया गया, क्यों ऐसा फैसला लिया गया? मेरे अंदाजे में इस भय से, इस डर से, इस कमजोरी से, इस मैं समझता हूं कि मौके के बात को समझने में हमारे कलेक्टिव लोगों में ये कमी रही, उनको राय नहीं दे पाए। इनके मन में रहा कि शायद ऐसा ना हो 50,000 से हम ये चुनाव हार जाएं। वो बेचारे, उनका नाम तो जो प्रशांत जी हैं वैसे ही लोग ले लेते हैं कि उनके कारण ये चुनाव हमने नहीं लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं डर था कि जो बाय इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट होगा उसमें मात्रा वोटों की बढ़ ना जाए। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है शिरोमणि अकाली दल BJP से डरी हुई है पंजाब में? नहीं, मेरा ये तात्पर्य नहीं, मैं जिमनी चुनाव खडूर साहब के संबंध में बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मैसेज तो ये गया? मैसेज ये गया, बिल्कुल ये दुरुस्त है। और हाई कमांड ने फैसला ले लिया, उसके बाद पार्टी जो है अपने स्तर पर फैसला ली, तो पार्टी का, पार्टी हाई कमांड की तरफ से ये कन्वे नहीं किया गया जो फैसला लिया गया वो गलत था? इसीलिए जब मेरे खिलाफ तमाम लोगों ने बयान दिया कि मुझे पार्टी से एक्सपेल किया जाए, मुझे सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो बात तो सुनते नहीं है पूरी। जैसे किसी ग्रीक फिलोसोफर ने
417 BC में कहा हेयर द अदर साइड, दे नेवर हर्ड मी, दे नेवर रेड माय न्यूज, दे नेवर एनालाइज्ड व्हाट आई हैड सेड. उन्होंने अगले दिन बयान दे दिया जगमीत सिंह को पार्टी से निकालो. जब पार्टी के पास मामला आया, शकील अहमद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी महामंत्री हैं, उन्होंने कहा जगमीत सिंह ब्रार एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं पार्टी के, अगर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है कि चुनाव लड़ना चाहिए था इसमें, तो कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने बुरा नहीं मनाया, तो उनको पार्टी में निकालने का ये क्या मुद्दा है. मतलब जो कोई आदमी अपनी राय रखे, यहां तो बात करने को भी तरसती है जुबा मेरी, अगर मैं अपनी बात ही नहीं कह सकता इतने बड़े प्रजातंत्र की, इतने बड़े ऐतिहासिक पार्टी के बीच में रहते हुए, तो फिर किसी इंसान का अपनी राय का कोई महत्व नहीं रहता ना. बराड़ साहब, दिक्कत कहां है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ क्या निजी कोई लड़ाई है? ना ना, मेरी बिल्कुल कोई निजी लड़ाई नहीं है. मैंने हमेशा पंजाब की राजनीति में उनको सपोर्ट किया है. दो चांस उनको पार्टी ने दिए, वो चुनाव हार गए. उनकी शिकस्त हुई 2000, आप जानते हैं, 12 में भी हुई और 7 में भी हुई. तो जो ये शिकस्त हुई उसके बाद मेरा ये मानना था पार्टी में कि देर शुड हैव बीन अनदर चांस फॉर समबडी एल्स, किसी और को ये मौका मिलना चाहिए था पार्टी के को लीड करने के लिए. तो वहाँ कुछ तकरार, मतभेद, कुछ विचारक मतभेद हुए, मगर 2004 का जो फैसला उन्होंने एग्रीमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स जो किया पानी के मुद्दों के संबंध में, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने 1993 में कर दी थी, 1993 में मेरी पहली तकरीर उनसे 11 बरस पहले हिंदुस्तान की लोकसभा में 1 घंटे की है, जहां मैंने तमाम एग्रीमेंट्स को, जो 76 में हुआ. आप कह रहे हैं कि जो पंजाब के पानी की बात है वो आपने सबसे पहले संसद में उठाई. सिर्फ बात ही नहीं रखी, 6 बार अपनी सरकार होते हुए मैंने गिरफ्तारी दी. नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और नीचे सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे. आज मैं इंकशाफ करता हूं क्योंकि आपको सुनने वाले दुनिया में, देश में लोग हैं. मैं अपना सब कुछ, अपनी ईमानदारी, अपनी इष्ट की ये कसम खा सकता हूं कि मुझे नरसिम्हा राव जी ने बुला के कहा कि जगमीत, पानी के मुद्दे पर आप मत बोलो, आपको कैबिनेट में लिया जाएगा. मैंने कहा नहीं, मैं पंजाब के तमाम लोगों को ये वादा करके आया हूं कि ये हमारा कोर इशू है राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का, और मानयोग राजीव गांधी जी ने इस मुद्दे के ऊपर इरेडी ट्रिब्यूनल गठित किया था. जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ तो हमने ये बात रखी सारे पंजाब ने कि ये पानी का मुद्दा संवेदनशील.